नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम लगातार आपको मिलवा रहे हैं फैक्ट के साथ। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हिमांशु जी, जो काफ़ी लंबे समय से डेरा सच्चा सौदा में भी आ रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है, कैसा माहौल लगता है इनको डेरा सच्चा सौदा का। डॉक्टर हिमांशु जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हिमांशु जी, आप कितने समय से आ रहे हो डेरा सच्चा सौदा? 15-16 साल बचपन से मैं आ रही हूँ। बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हैं? बहुत पॉजिटिव फील आती है, स्ट्रॉन्ग फील आती है कि जो पिताजी ने इतने अच्छे कार्य शुरू करे हैं, गुरु जी ने हमारी लड़कियों के लिए इतना कॉन्फिडेंट एनवायरनमेंट दिया है, सोसाइटी को इतना कॉन्फिडेंट बनाया है, यंगस्टर्स के लिए इतने अच्छे कार्य लाए हैं, तो वो हमें फॉलो करने से हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे हैं, हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है। और मुझे लगता है पर्सनली फील होता है कि उन्हें सोसाइटी में आना चाहिए, जिससे कि सोसाइटी का वातावरण जो है वो चेंज हो और उससे सभी जो लोग हैं वो पॉजिटिव फील करें, उनको स्ट्रेंथ मिले। सोसाइटी के लिए आज तक गुरु जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन? उन्होंने ड्रग्स छुपाए हैं लोगों के, इतने लोग हैं जो नशा छोड़ चुके हैं, स्मोकिंग, ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये सब छोड़ चुके हैं, ठीक है। और जो जैसे वुमेंस की बात आती है, आजकल देखा जाए सोसाइटी में वुमेन्स सेफ्टी की काफ़ी वो पिताजी ने शुरू करवाए हैं, बहुत सारे हैं, आप अगर उठा के देखेंगे तो उन्होंने पता नहीं कितने ज़्यादा कार्य शुरू कराए हैं, और कम से कम 6-7 मिलियंस उनके फॉलोअर्स हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वरना अगर कोई चीज़ गलत होती तो इतने फॉलोअर्स मुझे नहीं लगता पर्सनली फील नहीं होता कि इतने हो सकते। क्या आज भी उनके साथ इतने फॉलोअर्स हैं? आज भी है, आप अगर डेरे में आए हैं आप खुद देखिए कितनी भीड़ है, उनके ना होते हुए भी, लेकिन उनकी एक फिजिकल अपीयरेंस से ज़्यादा उनकी जो हमारी श्रद्धा है, तो हमें लगता है कि वो अभी भी यहीं पे, और वो जो चिट्ठी उन्होंने भेजी वो आज भी अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, वो आज भी हमसे कनेक्ट है, हमारे लिए सोचते हैं, करते हैं, और वो अच्छा ही बताते हैं हर चीज़ के लिए, जिससे कि एनवायरमेंट अच्छा रहे। कैसा महसूस हुआ लेटर जैसे मिला गुरु? बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है, जो कि आपके आप अगर श्रद्धा रखते हो, आपके जो काम नहीं बन रहे हैं, जिन चीज़ों में आपको मुश्किलें आ रही हैं, वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, वो सॉल्यूशन अपने आप मिल जाता है आपको, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अंदर सोचते हो और आपका सॉल्यूशन अपने आप हो। मैम, आप सोसाइटी को क्या बताओगे? आप वेल एजुकेटेड हो, क्योंकि सोसाइटी के माइंड में वही फोबिया है जो मीडिया में दिखाया गया था। मैं यही बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं होता जो आपको दिखाया जा रहा है वो सही होता है, जो आपने देखा वो सच है, जो आपको दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। पर्सनली मेरे साथ आज तक कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हुई है, ना मैंने देखी है, तो मैं इन सब चीज़ों को बिलीव नहीं करती हूँ। तो मैं बाकियों से भी यही दरख्वास्त करूँ कि उनको यही चीज़ रखनी चाहिए जो उनको दिखाया जा रहा है, वो ना देख के अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से काम लें, और वो पहले खुद देखें कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, उसके बाद ही कोई फैसला। मैम, ये भी बोला जा रहा था कि आश्रम में पढ़े लिखे लोग नहीं आते, अंधवादत बोला जाए। बिल्कुल सरासर झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं खुद डॉक्टर हूँ प्रोफेशनली, दिल्ली में हूँ, अच्छी वर्किंग है, ऐसा है ही नहीं। बल्कि मैं ये कहूँगी कि जो पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा है हमारे यहाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि जो सही है उसका साथ दीजिए, हमारे गुरु जी को जल्दी से जल्दी हमारे बीच ला खड़ा करें, और सोसाइटी के लिए वो एक मिसाल है कि वो उनको आना ही चाहिए कि सोसाइटी में एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहे, सबके लिए खुशियाँ लेके आए, सब अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर, वेल एजुकेटेड, ये करारा तमाचा मार रहे हैं, जो कहते हैं कि पढ़े लिखे डेरा सच्चा सौदा में, ये है असली सच डेरा सच्चा सौदा। वैसे लोगों को गुमीत राम रेम सिंह का तो लगातार हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप भी कह रहे हैं जरूर, कमेंट बॉक्स में देखते रहिए द फैक्ट टाइम।